अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ रियान जवेद एंड आई एम योर मैथ टीचर। क्लास फर्स्ट ईयर, आज हमने 12.2 क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करनी है। उसमें हमें क्या हुआ है, सोल्व द राइट ट्राइंगल ABC। अब हमें पता है राइट ट्राइंगल हमारे पास कौन सी होती है जिसमें एक एंगल 90 का पाया जाए। राइट ट्राइंगल हमारे पास कौन सी होती है जिसमें एक एंगल 90 का पाया जाए, और उसने हमें स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि आपने इसको नाम देना है गैमा का। इस मीन्स दैट गैमा हमारे पास किसकी इक्वल है, 90 के। ट्राइंगल हमारे पास ABC, इसको हमने ए का नाम दिया, इसको बी का, हाइपोटेन्यूस को सी का, और वो कह रहा है गैमा के पास 90 है और आपने पूरी ट्राइंगल सॉल्व करके देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने हमें दो चीज़ें दी हुई हैं। दो चीज़ें हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक अल्फा है, वो कह रहा है अल्फा हमारा इक्वल टू है 37 डिग्री एंड 20 डैश, और उसके अलावा एक साइड दी हुई है ए, वो कह रहा है वो इक्वल टू है हमारे पास 243 के। ओके क्लास, एक और हमारे पास एक तो स्पेसिफिक है कि एक एंगल हमारे पास कौन सा है, गैमा, तो वह हम साथ लिख लिया करेंगे कि गैमा इज इक्वल टू 90। अब हमारे पास दो एंगल गिवन है, एक अल्फा और एक गैमा। हमें पता है कितने एंगल होते हैं टोटल, 3, और सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। अल्फा हमें गिवन है, गैमा हमें गिवन है, बीटा फाइंड करना है, तो बीटा इस साइड पे रहने दें। अल्फा इस साइड पे प्लस का, इधर आके माइनस का, गैमा इस साइड पे प्लस का, इधर आके माइनस का, तो 180 माइनस अल्फा किसके इक्वल है, 37 डिग्री 20 डैश माइनस गैमा किसके इक्वल है, 90। तो 180 में से 90 निकालेंगे तो 90 माइनस 37 डिग्री 20 डैश, तो बीटा हमारे पास इक्वल आएगा जब हम 90 में से माइनस करेंगे, 90 माइनस 37 का तो डिग्री का निशान मैंने आपको बताया था कि हमारे कैलकुलेटर पे इस तरह का एक बटन है जिसके ऊपर ये पॉइंट्स बने हुए हैं, हम इसको प्रेस करेंगे तो डिग्री आ जाएगा 37 डिग्री, उसके बाद 20 दोबारा डैश है, दोबारा हम इसी को दबाएंगे तो हमारे पास डैश आ जाएगा। जब हम 90 में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास अल्फा आ जाएगा, अल्फा आएगा हमारा इक्वल टू 52 डिग्री एंड 40 डैश। अब एंगल हमने तीनों फाइंड कर लिए, अब क्लास अल्फा बीटा गैमा तीनों एंगल कंप्लीट हुए। अब हमने आना है साइड्स की तरफ, एक साइड हमें गिवन है ए, बाकी कौन सी है, बी, वो भी हमने फाइंड करनी है, और सी वो भी हमने फाइंड करनी है। अब क्लास हमें पता है साइन अल्फा किसकी इक्वल होता है, साइन अल्फा इज इक्वल टू एल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेन्यूस। एल्टीट्यूड का हमने क्या कहा है, ए, ओवर हाइपोटेन्यूस का हमने नाम दिया है सी, तो साइन अल्फा किसकी इक्वल आया, ए ओवर सी के। साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी के, साइन अल्फा की हमारे पास वैल्यू है तो हम लिखेंगे साइन इनटू अल्फा हमारा इक्वल टू है 37 डिग्री एंड 20 मिनट इज इक्वल टू ए, हमारे पास किसकी इक्वल है 243 डिवाइडेड बाय सी, वो हमने फाइंड कर लेना है। अब साइन की पहले वैल्यू फाइंड करते हैं, साइन इनटू 37 डिग्री एंड 20 मिनट ब्रैकेट क्लोज, तो साइन की हमारे पास वैल्यू आई 0.60 and 64 इज इक्वल टू आया 243 डिवाइडेड बाय सी, तो सी हमारा इज इक्वल टू आया 243 डिवाइडेड बाय 0.60 and 64, तो 243 डिवाइड करेंगे इसके साथ तो हमारे पास सी इज इक्वल टू आया 400.69, तो हम इसके जब राउंड ऑफ करेंगे तो सी को हम ले लेंगे 400। अब दो साइड फाइंड कर ली, एक साइड रह गई है बी, तो हम बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम वो भी फाइंड कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, सी है हमारे पास हाइपोटेन्यूस, वो हमने फाइंड कर लिया 400, और उसका स्क्वेयर इज इक्वल टू ए हमारे पास है 243 उसका स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर हमने फाइंड करना है। 400 का जब हम स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास इक्वल होता है 16 and 40 इज इक्वल टू 243 का भी हम स्क्वेयर लेंगे वो इज इक्वल टू आता है 590
590 एंड 49 प्लस बी का स्क्वायर। बी हमने फाइंड करना है, जिस साइड पे प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 59049 इक्वल टू बी का स्क्वायर करेंगे माइनस, तो क्या आएगा, बी स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू आया 100951। क्लास हमें बी स्क्वायर नहीं बी चाहिए, तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर रूट ले लेंगे हम तो बी का स्क्वायर उसका अंडर रूट इज इक्वल टू आया अंडर रूट से क्रॉस, तो बी इज इक्वल टू आया अंडर रूट ऑफ आंस, तो हमारे पास बी इज इक्वल टू आया 317.72 के। और क्लास यहाँ पे हमने पूरी ट्राइंगल सोल्व कर ली, तीनों साइड भी फाइंड कर ली, तीनों एंगल्स भी फाइंड कर लिए। क्लास जो तमाम बाकी क्वेश्चंस हैं इसी तरह ही हैं, उसमें कभी हमें दो साइड्स दी होंगी, कभी दो एंगल्स दिए होंगे, कभी वन साइड और वन एंगल दिया होगा, और एक एंगल हमारे पास हमेशा होगा गैमा, जिसे हम राइट एंगल ट्राइंगल में कहते हैं 90 अक्यूट एंगल जिसे हम कहते हैं। तो बाकी इसको यूज़ करते हुए हम बाकी तमाम ट्राइंगल्स को सोल्व कर लेंगे, बाकी साइड्स भी फाइंड कर लिया करेंगे, बाकी तीनों एंगल भी फाइंड कर लिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक जहाँ तक एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है सेम इसी तरह ही है। आज की क्लास इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।